हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एसएससी लद्दाख सिलेक्शन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की अपडेट देने वाली हूँ। ये जो पोस्ट निकली है वो 10th से लेके ग्रेजुएट लेवल के सभी कैंडिडेट्स दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। तो चलिए इसका डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, डेट क्या है, सिलेबस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस पोस्ट का नाम है एसएससी लद्दाख सिलेक्शन पोस्ट, और इसकी पोस्ट डेट जो है वो 25 मार्च है 2023। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ है जनरल के लिए, और जो भी वुमेन कैंडिडेट हैं और साथ में एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ईएसएम हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। और इसका जो पेमेंट मोड होगा वो थ्रू ऑनलाइन मोड होगा। और इसके इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो ये 24 मार्च से तो स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग डेट इसका, और इसका लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म का है आप फिल करने का वो 12 अप्रैल है। आप 12/4/2023 तक इसको आप भर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान है, बैंक का जो वर्किंग आवर रहता है उसमें आप 13 अप्रैल तक इसको भर सकते हैं। तो इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई तक हो जाएगा। तो इसके एज लिमिट की बात करते हैं, तो अपर एज लिमिट फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट 18 इयर्स है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स 45 इयर्स है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स 44 इयर्स है, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द एक्चुअल मिलिट्री सर्विस, 3 साल उनके एक्चुअल मिलिट्री सर्विस से कटौती की जाएगी, उस हिसाब से उनका एज लिमिट है। और जो पर्सन ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं इन केस नॉट कवर्ड अंडर अदर कैटेगरीज जो कि एससी और एसटी पीडब्ल्यूबीडी में नहीं आते हैं उनके लिए 42 इयर्स रखा गया है एज को। और इनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये 10th के कैंडिडेट्स भी दे सकते हैं, 12th के और डिग्री वाले भी कैंडिडेट इसको दे सकते हैं। और यहाँ आप ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके जाके इसके एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। ओके, तो और भी जॉब अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।